हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ऑफ न्यू सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल, यूनिट 3, आवलखेड़ा, आगरा, बाय दिनेश कुमार श्रीवास्तव। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द थर्ड चैप्टर ऑफ फ्लैमिंगो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डीप वाटर। इट इज रिटन बाय विलियम डगलस। It is an autobiographical part of his book of Man and Mountains. So students, let's begin the chapter Deep Water. So first of all, we will read about the author William Douglas. We will also say William C. Douglas. He was born in 1898 and he was died in 1980. So William C. Douglas was born in Maine, माइनेसोटा। यानी विलियम सी डगलस का जो जन्म था वो मिनेसोटा के मेन नामक जगह में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद, यानी स्नातक करने के बाद, ही स्पेंट 2 ईयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने याकिमा में 2 वर्ष स्पेंड किए हाई स्कूल टीचिंग करते हुए। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। हालांकि वो इससे काफ़ी बोर हो गए और उन्होंने एक लीगल करियर, कहने का मतलब है एक वकील के रूप में, लॉयर के रूप में अपनी लाइफ को स्पेंड करने का निश्चय किया। यानी उन्होंने लॉयर बनने का निश्चय किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और फिर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनसे मिले एट येल में, एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। विलियम सी डगलस इंडिविजुअल राइट्स के, जो हमारे व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनके एक लीडिंग एडवोकेट थे, वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975, और 1975 में वो रिटायर हुए विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स। लगभग 36 ईयर्स तक सेवा करने के बाद, एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में, यानी वहाँ के जो अदालत थी उसके इतिहास में सबसे लंबी सर्विस उन्होंने पूरी की। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो एक्सेप्ट है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अंश है, वो उन्हीं की एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, है ना, उसमें से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। इसमें वो मतलब इस चैप्टर में वो ये रिवील करते हैं, ये प्रकट करते हैं कि जब वो बच्चे थे तो बच्चे के रूप में, एक युवा लड़के के रूप में, वो किस तरीके से एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। यानी इस ऐसे में, ये एक तरह से ऐसे है इस चैप्टर में, इस बुक में जितने भी हैं वो मोस्टली ऐसे ही हैं, निबंध ही हैं। तो इस ऐसे में वो बात करते हैं कि उनका जो पानी से जो फियर था, भय था, कितना था उसके बारे में, और किस तरीके से उन्होंने इस भय पर काबू पाया, इस पर विजय प्राप्त की। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और नोटिस कीजिए कि किस तरीके से उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है इस सेलेक्शन का, वो उनके फियर ऑफ, जो फियर था उनका, उसको सपोर्ट करने के लिए इसमें डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। यानी मेरे साथ ये घटना तब हुई जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरने का निश्चय किया था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, और याकिमा में एक पूल था, एक तालाब था जिसका नाम क्या था, YMCA पूल। ये एक पूल का नाम है, याद रखना, YMCA क्या है, एक पूल है, तो इसमें याकिमा में। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, यानी जो अवसर, मैंने जो तैरने के लिए जो
डिसाइड किया था उसको मुझे ऑफर किया। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और याकिमा रिवर जो है वो कैसी थी, ट्रेचरस यानी खतरों से भरी हुई थी, धोखेबाज थी, उसमें अक्सर लोगों को धोखा मिल जाता था। मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ लगातार हम लोगों को इस बारे में सावधान करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और वो अक्सर मेरे माइंड में जो चीज़ें थी, डिटेल्स थी उस रिवर की, उनको फ्रेश करती रहती थी। किस चीज़ की डिटेल्स, जो रिवर में ड्राउनिंग हुई है यानी रिवर में जिस तरीके से लोगों के डूबने की जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में वो लगातार मुझे बार बार समय समय पर याद दिलाती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो मेरी नज़र में काफ़ी सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज़ ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड, ये जो सैलो एंड में यानी कि जो किनारा वाला जो छोर होता है, किनारा जो होता है किनारे पर, केवल 2 या 3 feet गहरा था, ज़्यादा गहरा नहीं था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, लेकिन दूसरे छोर पर जो ये रिवर थी वो लगभग, या सॉरी जो पूल था वो 9 feet के लगभग डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप था इसका वो ग्रेजुअल था, मतलब धीरे धीरे, शुरुआत में जैसे ही आप पूल में उतरते तो वो केवल एक तालाब था, ये कोई वैसा तालाब नहीं था जैसे स्विमिंग पूल, एक वैसा तालाब था जो अक्सर गांव वगैरह में होता है। तो ये छोटा पहले जो है 2-3 feet गहरा था जैसे ही हम इसमें उतरते किनारे पर, फिर ये धीरे धीरे गहराई में चलता जाता और फिर अंदर जा कर के बिल्कुल बीच में 9 feet लगभग डीप हो जाता। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं पानी में तैरने के लिए, जिससे कि हम डूबे नहीं। अक्सर आपने देखा होगा गोल सर्कल टाइप में, एक ट्यूब टाइप में भी होते हैं। तो उसने वो लिए और वो कहता है कि एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल की तरफ चला गया यानी तालाब पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, यानी मुझे इसमें नेक्ड माने बिना कपड़ों के चलना मुझे बहुत ही बुरा लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरी जो स्किनी लेग्स थी यानी दुबली पतली जो टांगें थी उनको दिखाना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंडेड इट, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो प्राइड थी, मेरा जो गर्व था या जो मेरी ये सोच थी, इस पर मैंने ओवरकेम माने सबड्यूड माने ओवरकेम, मैंने उसको ओवरकेम किया, उस पर विजय प्राप्त की एंडेड इट, और मैंने ऐसा किया। देखिए यहाँ पे मैं आपको रिवर के बारे में बताता हूँ। द याकिमा रिवर जो है, ये देखिए यहाँ पे एक मैप सा दिया हुआ है। द याकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन USA, यानी याकिमा रिवर जो है वो क्या है, कोलंबिया रिवर है वहाँ पर एक बड़ी, उसकी ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है, ये USA के वॉशिंगटन में फ्लो होती है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल, और ये जो स्टेट है यहाँ पर एक विशेष याकामा कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मिलते हैं, और उन्हीं लोगों के नाम पर इस जगह का नाम भी याकिमा रखा गया और रिवर का भी। देखिए यहाँ पे ये याकिमा रिवर है, और इसी के ये याकिमा रिवर है जो काफ़ी ट्रेचरस है, धोखेबाज है, इसीलिए राइटर ने इसमें न जाने के बजाय एक पूल में, YMCA पूल में जाने का डिसीजन लिया। आगे पढ़ते हैं, देखिए। फ्रॉम द बिगिनिंग However, I had an aversion to the water when I was in it. यानी शुरुआत से मतलब मेरे बचपन से ही I had an aversion. Aversion माने dislike. यानी water के प्रति मेरे अंदर dislike थी, मैं पानी को पसंद नहीं करता था। कब? When I was in it, जब मैं पानी के अंदर होता था, यानी जब भी मैं पानी के अंदर किसी river में, किसी pond में नहाने के लिए अगर मैं जाता था तो मुझे बड़ा aversion होता था, मुझे इससे नफरत होती थी। This started when I was 3 or 4 years old. और ये कब शुरुआत हुई इस aversion की, इस disliking की, जब मैं केवल 4 या 5 वर्ष का था, 3 या 4 वर्ष का। And father took me to the beach in California. और एक दिन क्या हुआ था कि मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर के गए थे। He and I stood together in the surf. और मैं और मेरे पिताजी
दोनों मिलकर के जो सर्फ, माने सर्फ का मतलब होता है जो वेव्स आती हैं, वेव्स की वजह से जो फोम यानी कि झाग जो बन जाता है, हम दोनों मिलकर के उसमें खड़े हो गए। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उनको पकड़े रहा। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी जो वेव्स थी, समुद्र की जो लहरें थीं, उन्होंने मुझे मारकर नीचे गिरा दिया, यानी उन्होंने मुझे धक्का मारा, अटैक किया और मैं नीचे गिर गया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो लहरें थी वो मेरे ऊपर से निकल गई। अब आप जैसे बीच पर भी खड़े हो और आप वहाँ पे एकदम से लेट जाते हो और लहर आती है तो वो आपके ऊपर से निकलती है, तो एक बार को ऐसा लगता है हम पूरे पानी में डूब गए। आई वॉज वरीड इन वाटर, वो कहता है मैं पूरा पानी में दफन हो गया, यानी कि पूरा पानी में डूब गया। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में, मेरे हृदय में एक टेरर माने एक भय जाग गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी इस वेव्स की जो ओवर पावरिंग माने पावरफुल जो फोर्स था वेव्स का, उनकी वजह से मेरे दिल में एक हमेशा के लिए एक डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, और YMCA जो स्विमिंग पूल था उससे मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ तो जो मेरी अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, यानी जो पुरानी दुखद जो यादें थीं, वो क्या हुई, रिवाइव्ड हो गई, फिर से जीवित हो गई। एंड स्टिल चाइल्डिश फियर, और मेरा जो जो चाइल्डिश फियर था यानी बचपन वाला जो डर था वो फिर से जाग गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही पल में मैंने क्या किया, अपना जो कॉन्फिडेंस था, अपना जो विश्वास था उसको गैदर किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने जो न्यू वाटर विंग्स में लेकर के आया था, मैंने उनसे पैडल्ड किया। पैडल्ड का मतलब स्विमिंग लाइक डक, जैसे बतख पानी में तैरती है उस तरीके से। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और किस तरीके से दूसरे लड़के जो तैर रहे थे उसमें पानी में स्विमिंग कर रहे थे, उनको देख करके और उनको एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना, उनको कॉपी करके सीखने की कोशिश करते हुए मैंने भी एक तरह से बतखों की तरह तैरना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में इस तरह से 2 या 3 बार मैं करता रहा। एंड वो जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन वाटर, और मैं धीरे धीरे पानी के अंदर थोड़ा सा ईज माने आसानी महसूस करने लगा, यानी मुझे अब मेरा जो डर था वो धीरे धीरे शायद जाने लगा। व्हेन द मिसएडवेंचर्ड हैपेंड, तभी एक एक्सीडेंट, मिसएडवेंचर्ड का मतलब एक एक्सीडेंट, एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हुई। क्या हुआ, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर उस समय पहुंचा जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, यानी स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो पूल का जो टाइल्ड बॉटम था, मतलब टाइल्ड का मतलब जिस पे पूल का जो बॉटम था उसमें टाइल्स लगे हुए थे, जैसे हम घर में जो टाइल्स लगवाते हैं, तो जो टाइल्ड बॉटम था वो इतना वाइट और क्लीन था जैसे हमारे किसी बाथ टब का होता है, यानी बाथ टब जो होता है जिसमें हम नहाते हैं, जो घरों में होते हैं, हमारे बाथरूम में होते हैं, तो उसमें जिस तरीके से हमें उसका बॉटम दिखाई दे जाता है, तो पानी इतना शांत था कि उसको वो बॉटम दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं अकेले उस पूल में जाने की बात को सोच करके काफ़ी टिमिड माने डर रहा था, यानी मैं एक कायर सा बन गया था, डरपोक हो गया था और मुझे डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और इसीलिए मैं दूसरों का इंतज़ार करते हुए पूल के एक किनारे पर बैठ गया। मैंने सोचा कि कुछ लोग आ जाएंगे जो इसमें स्विमिंग करते हैं, तो उनको देख करके फिर मैं तैरूंगा अकेले। अभी उसे डर था कि अगर अकेले अभी मैं मान लो डूब भी गया, हालांकि उसको अब थोड़ा सा उसका भय दूर हो गया था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अगर मैं डूब गया तो मुझे कौन बचाएगा। उसने कहा कुछ लोग आ जाएंगे तभी मैं इसमें जाऊंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मुझे वहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था तभी एक बिग ब्रूजर, ब्रूजर का मतलब होता है बॉक्सर, यानी एक ऐसा फाइटर जिसने कोई प्राइज जीता हो,
एक ऐसा लड़का था वो वहाँ पर आ गया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग संभवतः 18 वर्ष का रहा होगा। यह थिक हेयर ऑन इस चेस्ट, और उसकी चेस्ट पर लगभग कैसे हेयर थे, थिक हेयर यानी काफ़ी घने बाल थे, चेस्ट पर लोगों के बाल होते हैं ना। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसीमैन, और वह एक सुंदर सा है ना अच्छे शरीर का एक एक तरह से नमूना था, यानी बहुत ही अच्छी उसकी फिजिकल अपीयरेंस थी, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, है ना। और उसकी जो आर्म्स और लेग्स थी वो क्या दिखाती थी, रिपलिंग मसल्स माने उभरते हुए, जैसे कोई जैसे बॉक्सर है वो, तो बॉक्सर की जो आर्म्स एंड मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उभर रही होती हैं। ही यल्ड, और वो चीख कर बोला, हाय स्किनी, यानी मुझे देख करके, क्योंकि मेरी जो दुबली पतली टांगें थी तो मेरी दुबली पतली टांगों को देख करके वो बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यानी तुम किस तरह से डुबकी लगाना पसंद करोगे, डक्ट का मतलब पानी में डूबना, किस तरह से डुबकी खाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा कहते हुए उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड, और उसको उसने मुझको कहाँ पर टॉस कर दिया, उछाल करके जो डीप एंड था, यानी जहाँ पर जो पूल सबसे ज़्यादा गहरा था, 9 feet गहरा था, उस एंड पर उसने मुझको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं सिटिंग पोजिशन में यानी जो बैठा हुआ था उसी पोजिशन में मैं पानी पर लैंड किया, वॉट पूल में, स्लाउड वाटर, मैंने कुछ पानी अपने मुंह में निगल लिया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं जो बॉटम था उसका उस पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन फिर भी इतना भयभीत नहीं था कि आउट ऑफ माई वेट्स, कि मैं अपना होश खो दूँ, मेरी बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो जाए, थोड़ी सी मेरे अंदर होश था। तो क्या किया मैंने, ऑन द वे आई डाउन आई प्लान, यानी जब मैं नीचे की ओर जा रहा था पूल में, बॉटम की ओर, तो मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बहुत ही बड़ी जंप लगाऊंगा, यानी पानी में जैसे जंप लगाते हैं तो पानी में वेट थोड़ा हल्का फील होता है तो हम ऊपर आ जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और वाटर का जो सरफेस है उस पर आ जाऊंगा, और लाइफ फ्लैट ऑन इट, और मैं उस पर फ्लैट होकर के लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और बतख की तरह पैडल करते हुए तैरते हुए मैं जो पूल है उसके एज पर किनारे पर पहुंच जाऊंगा। उसने ऐसा एक प्लान अपने मन में बना लिया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन नीचे तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा, यानी बॉटम तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा। दोज 9 feet फॉर मोर लाइकली 90, और वो 9 feet की जो डीप जो गहराई थी वो मुझको लगभग 90 feet की महसूस हो रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे जो फेफड़े थे, मेरे जो लंग्स थे, वो मानो बस्ट होने के लिए यानी फूटने के लिए तैयार बैठे थे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने उसके बॉटम को हिट किया, आई समंड ऑल माय स्ट्रेंथ, मैंने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी मेरी, जितनी भी ताकत थी मेरे अंदर, मैंने उसको समोन किया, मैंने उसको इकट्ठा किया, गैदर किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। क्या सोचा था मैंने, ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड यानी ऊपर की ओर एक बड़ी उछाल। तो मैंने पैर उसमें नीचे मारे जिससे कि मैं ऊपर पानी में जल्दी से आ सकूं। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की थी, आई वुड वॉप टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं पानी के सरफेस पर, वॉप का मतलब कम अप, ऊपर आ जाना, एक कॉर्क की तरह से ऊपर आ जाऊंगा। जैसे कॉर्क होता है, कॉर्क आप साइंस में पढ़ते हैं बच्चों, तो कॉर्क जो होता है उसको हम जैसे पानी में, वो बहुत ही हल्का होता है, रबड़ का बना होता है एक तरह से, तो उसको हम पानी में डाल दें और उसको नीचे दबाए रखें अपने हाथ से ही। एक छोटा सा आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें उसको नीचे डाल दें, और आप जैसे ही उससे अपने हाथ का प्रेशर हटाएंगे तो वो एक झटके से ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह से उसने सोचा कि मैं भी सरफेस पर आ जाऊँगा। इंस्टेंट आई केम अप स्लोली, लेकिन
ऐसा होने के बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आँखों को खोला एंड सो नथिंग बट वाटर। लेकिन मैंने क्या देखा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी जो बिल्कुल कैसे कलर का था, लगभग डर्टी माने गंदा, येलो टिंग यानी पीले से, टिंग का मतलब कलर, पीलापन लिए हुए था। केवल वो जो मुझे वाटर ही दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिकली और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप और मैं ऊपर की ओर पहुँचा, ऐसे पहुँचा, मेरे अंदर ऐसा विचार था कि मानो मैं कोई रस्सी होगी मैं उसे पकड़ लूँगा। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों के जो पकड़ में क्या आया वो सिर्फ वाटर ही था, कोई रस्सी नहीं आई क्योंकि रस्सी तो थी ही नहीं और वो पानी के अंदर ही था, तो हाथों की पकड़ में क्या आया, सिर्फ रस्सी आई। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चीखने की कोशिश की बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे अंदर से कोई साउंड ही नहीं निकला। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आँख और मेरी नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन जो मेरा मुँह है वो अभी भी पानी के अंदर ही था, वो बाहर नहीं आया। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने जो पानी का जो सरफेस था वाटर का, मैंने उस पर अपने हाथ पैरों को फ्लेल्ड माने पटकना, है ना, पटकना शुरू कर दिया। सलाउट एंड चोक्ड, और मैंने पानी जो था उसको निगल लिया और मेरी जो सांसें थीं वो चोक हो गई, यानी कि रुक गई, मेरा गला रुंध गया, यानी मानो गले में कुछ रुकावट हो गई हो, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। आई ट्राइड टू बिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी जो लेग्स थी, जो टांगें थी, उनको ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिगिड, लेकिन मेरी जो टांगें थी वो ऐसे लटकी रहीं मानो कि कोई डेड वेट हो। वेट्स का मतलब कोई भी पत्थर वगैरह, डेड होता है वो निर्जीव पत्थर, उसकी तरह से एक भारी वजन की तरह से वो लटकी रही, मानो पैरालाइज हो गई हों, है ना, जो पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा मार जाता है, यानी उनको हम किसी भी तरह का उनसे मूवमेंट नहीं करा पाते हैं, एंड रिजिड हो गई, वो कठोर हो गई। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक मानो कोई ग्रेट फोर्स था, कोई बहुत ही सर्वशक्तिशाली कोई फोर्स था जो मुझको अंदर की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन वहाँ मुझे सिर्फ पानी ने ही सुना, पानी के अलावा और कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं फिर एक बार जो पूल के बॉटम की जो लंबी यात्रा थी, मैं उस यात्रा पर फिर निकल पड़ा, यानी पानी के अंदर बॉटम तक फिर डूबने के लिए पहुंच गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं अपने हाथ पैरों को चलाता रहा, पटकता रहा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स, और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सपेंड करते हुए, यानी उसको खर्च करते हुए, किस तरीके से, जिस तरीके से कि कोई व्यक्ति नाइटमेयर के समय, यानी रात में कोई बहुत भयंकर जब सपना आता है, कोई ड्रीम होता है, तो एक इरेसिस्टिबल फोर्स होता है, यानी एक अनअपोजेबल, यानी जिसको हम अपोज नहीं कर सकते, एक ऐसा फोर्स होता है। अक्सर हम रात में सो जाते हैं तो हमें ऐसा सपना आता है, हम उस सपने में काफ़ी भयभीत होते हैं और हम कोशिश करते हैं अपने हाथ और पैरों को उठाने की, लेकिन हमें एक कई बार हमें बहुत कुछ दिख रहा होता है, सब कुछ दिख रहा होता है, और हम अपने हाथ पैरों को उठाने की कोशिश करते हैं वहाँ से बचने के लिए, निकलने के लिए, बट हम वो नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ पर उठ नहीं पाते हैं। तो वही कंडीशन वो कहता है कि मेरी यहाँ पर हो गई। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और मैं अपनी पूरी जो ब्रीथ थी, मेरी जो सांसें थी, मानो मैं उसे खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो एक माने दर्द कर रहे थे, उसमें दर्द हो रहा था। माई हैड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सिर था, मेरा जो ब्रेन था, वो थ्रॉब होने लगा, यानी धड़कने लगा, जैसे जैसे हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है, लेकिन यहाँ पर जब हम कोई भयभीत होते हैं काफ़ी, तो हमारे माइंड में भी धड़कन सी शुरू हो जाती है ज़ोर ज़ोर से,
वो धड़कने लगता है। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे लगभग चक्कर से आ रहे थे, बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने रणनीति बनाई थी, योजना बनाई थी, वो मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं जो पूल का बॉटम है उससे स्प्रिंग करूँगा, यानी कि जंप करूँगा, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क की भांति सरफेस पर वापस आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं वाटर के सरफेस पर एकदम फ्लैट होकर के लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी जो आर्म्स हैं उनसे उन पर चोट करूँगा, यानी हाथों को चलाता रहूँगा, पटकता रहूँगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपने जो लेग्स हैं उनसे ज़ोर ज़ोर से पानी को मारता रहूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं जो पूल का जो एज है, किनारा है, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और मैं सुरक्षित होऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं लगातार नीचे की तरफ जाता ही रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आँखों को खोला, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय वाटर के, जो भी कैसा था, येलो ग्लो वाला, यानी पीले कलर वाला, चमक वाला, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, काला पानी, गहरा पानी, जिसमें से होकर के कोई व्यक्ति आर पार नहीं देख सकता। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर सीयर माने प्योर, स्टार्क माने कठोर, जो टेरर था मेरा, जो भय था, उसने मुझे फिर से सीज कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, यानी एक ऐसा भय जो अंडरस्टैंडिंग नहीं जाता, यानी कि नेम का मतलब है कि एक ऐसा भय जिसमें व्यक्ति अपनी समझदारी को खो बैठता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, यानी एक ऐसा भय जिसमें व्यक्ति अपने ऊपर से जो कंट्रोल है, जो संतुलन है, उसको खो देता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और एक ऐसा टेरर जिसको कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता जब तक कि उसने उस टेरर को एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर जोर जोर से चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर ही मानो पैरालाइज हो गया था। स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं काफ़ी स्टिफ का मतलब अकड़ा हुआ, जैसे शरीर अकड़ जाता है ना, और रिजिड माने कठोर हो गया था मैं भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, और मानो मेरे गले में जो स्क्रीम्स थी, जो चीखें भी थी मेरी, वो मानो मेरी जम गई हों, यानी वो बाहर नहीं निकल पा रही हों, कोई दूसरा नहीं सुन पा रहा हो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा हृदय और मेरे सिर के अंदर जो पाउंडिंग हो रही थी, यानी जो धक धक हो रही थी, वही उन्होंने मुझे कहा, सैड दैट आई वॉज स्टिल लाइव, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी भी जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर इस भयंकर भय के, टेरर के बीच में मेरे अंदर एक रीजन, मतलब थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा मेरे अंदर रीजन आया, मेरा तर्क आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, यानी मैंने याद रखा, मुझे याद आया कि मुझे जंप करना है जब मैं बॉटम को हिट करूं। एट लास्ट आई फेल्ट द टायर्स अंडर मी, और आखिरकार अंत में मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो पैर हैं उनके नीचे टाइल्स आ चुके हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो टोज थे, मेरे पैरों के जो अंगूठे थे, वो उन तक ऐसे पहुँचे कि मानो उनको ग्रैब कर लेना चाहते हैं, उन्हें पकड़ लेना चाहते हों। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मेरे अंदर जो कुछ भी था, कहने का मतलब जितनी भी शक्ति थी, मैंने उसको लगाकर मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, वाटर अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैं रोप्स, लैडर्स और वाटर विंग्स को इधर उधर ढूंढ रहा था कि शायद कुछ हाथ में आए। नथिंग बट वाटर, लेकिन मेरे हाथ सिवाय पानी के कुछ नहीं आया। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक पीले पानी के उस एक भारी मात्रा में जो पीला पानी था, उसने मानो मुझे पकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो स्टार्क टेरर था, यानी जो भयंकर जो भय था, कठोर भय है ना, उसने मानो के मुझे पकड़ करके नीचे गहराई में पकड़ रखा।
लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक किसकी तरह से, जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट चार्ज होता है, जैसे हमें बिजली का करंट लग जाए तो उस समय जो स्थिति होती है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिला और डर के मारे कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो भुजाएं थी, आर्म्स थी, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी लेग्स भी मूव नहीं कर पा रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने मदद के लिए चीखने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को मैंने मदद के लिए बुलाया, उनको आवाज़ लगाई। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस चैप्टर से अभी, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे सेंड करें।